जय श्री कृष्णा। एक राजा रानी थे, धन तो बहुत था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी अपने दरवाजे पर खड़ी थी, भंगन आई और उसे देखकर मुंह फेर लिया और घूंघट निकाल लिया। रानी बोली, भंगन तूने ये क्या किया, मुझे देखकर घूंघट क्यों निकाल लिया? भंगन बोली, रानी जी बिना औलाद वाले के मुंह देखने से रोटी भी नहीं मिलती। यह सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और चादर ओढ़कर लेट गई। राजा आया तो वह बोला, रानी जी कैसे लेट गई? रानी बोली, जब हमें जात की भंगन भी ऐसी बात कहे तो हमारा क्या जीना है। राजा ने कहा, इसमें क्या बुरा मानना, उठो अन्न खाओ पानी पियो, जैसा कोई होता है वैसा ही कहा जाता है। रानी नहीं मानी। राजा बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानता, आँखों से देखूंगा। अगले दिन राजा दरवाजे पर खड़ा हो गया। भंगन आई और राजा को देखकर पीठ फेर ली और घूंघट निकाल लिया। राजा बोला, भंगन तूने ये क्या किया? तब भंगन बोली, राजा जी बिना औलाद वाले का मुंह देखने से रोटी भी नसीब नहीं होती। राजा उसके पीछे पीछे चल दिया। उस दिन भंगन को कहीं पर भी रोटी नहीं मिली। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी घर में से निकल गए। दुनिया पूजा करके घर चली जाए, लेकिन वे दोनों पूजा करें और मंदिर के पीछे जाकर बैठ जाएं। 12 साल हो गए। एक दिन पार्वती जी शिवजी से बोली, महाराज ये 2 मुसाफिर हैं, दुनिया पूजा करे अपने घर चली जाए लेकिन ये दोनों मंदिर में पीछे पड़े हैं, इन्हें क्या चाहिए? पार्वती जी बोली, महाराज इनके संतान नहीं है। शिवजी महाराज बोले, संतान तो इनके भाग्य में है ही नहीं। पार्वती जी कहने लगी, महाराज मैं तो इन्हें वचन दे चुकी हूँ, मुझे तो कोई पूजेगा भी नहीं। शिवजी महाराज बोले, ठीक है तो इनसे पूछो, 12 वर्ष के लिए 12 चाहिए या 1 चाहिए? पार्वती जी ने पूछा तो रानी बोली, 12 वर्ष के लिए 12 क्या करूँगी, होंगे और मरेंगे, होंगे और मरेंगे। 12 वर्ष के लिए 1 होगा तो कुछ तो देख लूँगी। पार्वती बोली, ठीक है अब तुम अपने घर जाओ। 9 महीने बाद उसके घर लड़का हुआ, बड़ा हुआ, उसे पढ़ाया लिखाया। उसके दिन पूरा होते आए राजा घर से निकल गया। रास्ते में लड़कियां घर बनाकर खेल रही थीं, सबने अपने घर तोड़ दिए। एक लड़की बोली, मैं तो जिसकी उम्र कम हो उसे भी पूरा कर देती हूँ। राजा उसी के पीछे पीछे हो लिया। राजा लड़की की माँ से बोला, अपनी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के से कर दो। लड़की की माँ बोली, तुम राजा महाराजा, हम गरीब जाट के। राजा बोला, मुँह से मांग रहा हूँ तो क्या डर है, ब्याह गौना हो रहन सहन लगे। रानी सोचने लगी कि अगर मेरा बेटा ना रहा तो वीरानी बेटी को कैसे देखूंगी। बहू कहने लगी, माँ जी क्या बात है, जब से मैं आई हूँ आप उदास रहती हो, मेरा देना लेना पसंद नहीं आया या कोई और बात है, या मैं ही तुम्हें नहीं भाई? सास बोली, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे की आगे की उम्र ना है इसलिए उदास रहती हूँ। बहू बोली, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वन उजाड़ में महल चिनवा दो, चारों कोने से पहरे लगा दो, लकड़ी आए न जाला जाए इन्हें लिटा दो, मकड़ी आए न जाला जाए इन्हें लिटा दो, मुझे बिठा दो। राजा ने एक ही दिन में सब तैयार कर दिया। आप सेवा करने को बैठ गई। शिवजी महाराज के दूत आए, बोले खोल किवाड़। पानी बोला, मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया बिना पानी रह जाए तो मैं भी रह लूँगा। दूत लौट गए। दूसरी बार दूत आए तो बोले खोल किवाड़। अन्न बोला, मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया बिना अन्न के रह जाए तो मैं भी रह लूँगा। दूत लौट गए। तीसरी बार दूत आए
बोले खोल किवाड़। अग्नि बोली मेरा पहरा है, जो मुझे बिना बीच जाएगी तो इसके बिना मैं भी रह जाऊंगी। दूत लौट गए। चौथी बार दूत आए तो बोले खोल किवाड़। रूई घी बोला मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया जोत बत्ती रह जाए ना करे तो मैं भी रह लूँगा। दूत जाकर शिवजी महाराज से कहने लगे, महाराज वहाँ तो पहरे लगा रखे हैं, किवाड़ नहीं खुलते। शिवजी महाराज बोले, ऐसा कौन है अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसे पहरे लगा रखे हैं। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूँगी। शिवजी बोले, तुम यहीं पर रहो, तुम जहाँ जाओगी फिर वहीं पर अड़चन लगा दोगी। पार्वती जी बोली, महाराज मैं तो ज़रूर चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ऐसा कौन है जो ऐसे पहरे लगा रखे हैं। आगे आगे शिवजी महाराज, पीछे पीछे पार्वती जी चल दी। जाके बोले खोल किवाड़। कौन? शिवजी। पार्वती जी। जाट की लड़की ने उठकर किवाड़ खोल दिए। लड़की ने दोनों के चरण छुए। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। शिवजी बोले, उठाओ उठाओ। पार्वती जी बोली, महाराज यह लड़की अपने दिन कैसे काटेगी, मैं तो इसे वचन दे चुकी हूँ, मुझे तो कोई पूजेगा भी नहीं। शिवजी बोले, तुमने वही अड़चन लगा दी ना, मैंने पहले ही मना किया था। शिवजी महाराज ने उंगली तारस कर मुंह में डाल दी, हर हर करता बैठ गया। पार्वती जी ने अपने बिछुए उसे पहना दिए। पार्वती मैया जैसा सुहाग उसे दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते को। जय शिवजी महाराज की, जय पार्वती मैया की।